प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1-2 में जो हम पढ़ते हैं, जरूर आश्चर्यजनक चिन्ह है। आत्मदर्शन टीवी के सभी श्रोतागणों को जय यीशु। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1-4 और संत लूकस सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 12-19 तक। मैंने स्वर्ग में एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। मैंने आग से मिले हुए कांच के समुद्र सा कुछ देखा, जो लोग पशु की प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय हुए थे, वे कांच के समुद्र पर खड़े थे। वे ईश्वर की वीणाएं लिए ईश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कहते थे। मूसा का गीत और मेमने का गीत, ये कौन सा गीत है? यह वही गीत है जो मूसा ने लाल समुद्र पार करके उसके बाद देखा कि मिस्रियों को प्रभु ने समुद्र में डुबो दिया। इजरायली जनता के साथ में गाया था, और यही गीत हम पास्का की रात को हर वर्ष गाते हैं, जब तीसरा पाठ पढ़ते हैं। सूखे पैर लाल समुद्र पार करने वाला पाठ, और उसके बाद गाते हैं, गाए महिमा दिल से प्रभु की रक्षा करते, वह भक्तों की हर्ष मनाए। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। यह है वो गान मूसा और इजराइलियों ने इस तरह से प्रभु की स्तुति की थी, और यही आश्चर्यजनक चिन्ह संत योहन प्रकाशना ग्रंथ में ये विजय के गीत में लिखते हैं। यह विजय का गीत गाते हुए हर किसी भाई बहन को आह्वान किया गया है, इस पृथ्वी पर अपने जीवन पर विजय पाने के लिए। ख्रिस्त ने जिस तरह से विजय पाई है, और यह विजय तभी पा सकते हैं जब हम विपत्तियों का सामना करेंगे। संत लूकस अध्याय 21:12 में लिखा है, यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे, राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा, साक्ष्य देने का अवसर होगा। यह सुनकर हम सब बहुत सारे घबरा रहे होंगे कि ऐसा हो जाए तो मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं क्या बोलूँगा। पर प्रभु कहते हैं संत लूकस अध्याय 21:14 में, अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। प्रभु हमें वाणी प्रदान करेंगे, और
बुद्धि प्रदान करेंगे जिसका सामना कोर नहीं कर सकेगा। प्यारे भाई और बहनों, आगे लिखा है, तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे, अपने धैर्य से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। प्यारे भाई और बहनों, इतना धैर्य हम में होना जरूरी है। अपनी धीरजता के साथ में आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन चिंतन करें, गौर करें, अपने जीवन में उतारें, अभ्यासार्थ करें और इस तरह से हमारे अंतिम न्याय के समय तक के लिए हम तैयार हो जाएं।